नमस्कार, NIOS के DLED कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं निरंजन सहाय, प्रोफेसर हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपसे मैं पाठ्यक्रम संख्या 503, ब्लॉक 1, इकाई 3 अर्थात साहित्य की विधाएं विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं। अक्सर लोग साहित्यिक रचनाओं को बेहद चाव से पढ़ते हैं। प्रायः लोग यह कहते हैं कि कैसे किसी रचना ने उनका जीवन बदल दिया, या फिर यह कि साहित्य पढ़कर व्यक्ति संवेदनशीलता के विभिन्न आयामों से परिचित होता है, आदि आदि। यह प्रश्न उठना एकदम स्वाभाविक है कि वे कौन से तत्व हैं जो किसी रचना को साहित्यिक गुणों से संपन्न कर देते हैं, या अभिव्यक्ति के विविध रूपों को साहित्य संसार ने किन रूपों में पहचाना है। रचने और देखने की आदिम वृत्ति ने जिन अभिव्यक्ति कौशलों को संभव किया, उनमें कविता पहले आई। मानव जीवन की लंबी यात्रा के बाद अनेक नई परिस्थितियां, चुनौतियां, सपने, संघर्ष और प्रतिबद्धताएं भी उभरी। ऐसा लगा कि पद्य या कविता के रूपाकार में बहुत बातों को कहने में सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक भूमियां भी नए परिवेश का निर्माण कर रही थी। फिर गद्य विधाओं का संसार बना। यह अकारण नहीं है कि काव्य सर्जक संसार ने एक जमाने में यह समझा था कि गद्य कवियों का निकष है। खड़ी बोली हिंदी की कविता में गद्य का आना भी एक युगांतकारी घटना थी। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सुधा पत्रिका में 13 अक्टूबर 1933 की संपादकीय टिप्पणी में लिखा, गद्य जीवन संग्राम की भी भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। दरअसल आधुनिक काल के पहले हिंदी साहित्य प्रायः पद्यात्मक ही रहा, लेकिन आधुनिक काल में गद्य का महत्व साहित्य का केंद्रीय विषय बन गया। हिंदी गद्य की पूर्व पीठिका आधुनिकता है। गद्य की विधाओं के बारे में जानने से पहले कविता की आधारभूत समझ बना लें। प्रिय विद्यार्थियों, यह समझने की कोशिश करें कि कविता है क्या, या कविता को हम कैसे समझेंगे। कविता की वंशगत विशिष्टता लय है। कोई ऐसी कविता नहीं लिखी जा सकती जिसमें लय का निर्वाह न किया गया हो। कविता में बिंबों का सदा प्रयोग होता है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी नहीं कि बिंब कई बार शब्द में निहित होता है तो कई बार वाक्य में, और अनेक बार तो पूरी कविता मिलकर एक बिंब का ही निर्माण करती है। बिंब का मतलब होता है शब्द, वाक्य या पूरी कविता में निर्मित चित्र। पुरानी कविता और नई कविता पर विचार करने की जरूरत है। पुरानी कविता छंदोबद्ध होती थी, प्रायः उनमें तुकों का निर्वाह होता था। आधुनिक काल में छंद के बंधन शिथिल हो गए। यहां तक कि छंद मुक्त कविता का लेखन युगधर्म भर बन गया। निराला ने कविता में छंदों की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति से जोड़ा। आइए अब कविता के बाद जो अन्य गद्य विधाएं आई हैं साहित्य के संसार में, यानी कविता के अलावा साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, उनके बारे में अपनी समझ बनाने का प्रयास करें। अन्य शब्दों में विविध गद्य विधाएं क्या हैं, इसे समझने की कोशिश करें। अधिकांश आधुनिक गद्य विधाओं का जन्म भारतेंदु युग में हुआ।
इस युग में जन्म लेकर विकसित होने वाली तीन साहित्यिक विधाएं हैं, नाटक, निबंध और उपन्यास। भारतेंदु युग से पहले नाटक के नाम पर मिलने वाली रचनाएं नगण्य हैं और वे विधायी रूप से नाटक हैं भी या नहीं, इस पर मतभेद है। नाटक और एकांकी को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई, इनका मंचन होता है, अभिनय, संवाद, रंग सज्जा जैसी विशिष्टताओं को धारण करने के कारण इनकी लोकप्रियता किसी भी साहित्यिक विधा से अधिक रही। नाटक कई अंकों का हो सकता है, एकांकी में एक अंक ही होता है। आइए उपन्यास और कहानी के बारे में अपनी समझ साफ करें। प्रिय विद्यार्थियों, उपन्यास और कहानी समरूप गद्य विधाएं हैं। उपन्यास प्रायः जीवन के बृहत्तर फैलाव को अपनी परिधि में समेटता है। आकार की व्याप्ति अधिक होने के कारण इसे पढ़ने में ज्यादा वक्त लगता है। कहानी में जीवन के फैलाव की अपेक्षा घटना प्रधानता को मुख्य आधार बनाया जाता है। जहां उपन्यास कई बैठकों में पढ़ना संभव है, वहीं कहानी प्रायः एक बैठक में पढ़ना संभव होता है। आइए एक अत्यंत लोकप्रिय गद्य विधा निबंध के अध्यापन के सिलसिले में भी कुछ बात करें। पहले यह समझें कि निबंध कहते किसे हैं। भारतीय परंपरा गद्य को कवियों की कसौटी कहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस विधा में गद्य का निजी रूप दिखाई पड़ता है। निबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, विज्ञान, आलोचना, जीवन मीमांसा, किसी भी विषय पर निबंध लेखन किया जा सकता है। प्रत्येक निबंध लेखक की एक विशिष्ट शैली भी होती है। निबंध को परिभाषित करने के विविध प्रयास हुए हैं। गुलाब राय ने अपनी बहुचर्चित रचना काव्य के रूप में कहा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। रिपोर्टाज और रेखाचित्र भी आजकल पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाते हैं, इसीलिए उनके बारे में समझ बनाना जरूरी है। रिपोर्टाज और रेखाचित्र आधुनिक गद्य की चर्चित विधाएं हैं। इन विधाओं को पढ़ते या पढ़ाते समय सबसे पहले यह बताने की जरूरत है कि इन विधाओं का स्वरूप क्या है तथा अपनी किन विशेषताओं के कारण ये अन्य समरूप विधाओं से अलग हैं। उदाहरण के लिए यह जानना जरूरी है कि रिपोर्टाज रिपोर्ट से कैसे अलग है, या रेखाचित्र और संस्मरण में किन बिंदुओं के आधार पर फर्क किया जा सकता है। रिपोर्टाज क्या है, आइए इसे समझें। किसी घटना को संवेदनशील सजीविता के साथ इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि वह अखबारी समाचार की निर्जीव तटस्थता से आगे बढ़कर मनुष्य की समग्र चिंताओं और उनके सौंदर्य बोध को प्रकट करे, तब उसे रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग दो के अनुसार रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से इसका गहरा संबंध है। रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य साध्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्यतः
समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। अक्सर रिपोर्टाज की चर्चा करते समय अखबारी समाचार से उसके अंतर को स्पष्ट किया जाता है। रिपोर्ट या रपट में जहां सूचना संयोजन और तटस्थ अभिव्यक्ति का संकलन महत्वपूर्ण है, वहीं रिपोर्टाज में सूचना संयोजन से अधिक समग्र मनुष्य की तलाश महत्वपूर्ण है। और तटस्थ अभिव्यक्ति की जगह संवेदनशीलता का पुट उसे आत्मीय पाठ की विशेषता प्रदान करता है। रिपोर्ट या रपट में जहां सूचना संयोजन और तटस्थ अभिव्यक्ति का संकलन महत्वपूर्ण है, वहीं रिपोर्टाज में सूचना संयोजन से अधिक समग्र मनुष्य की तलाश महत्वपूर्ण है। और तटस्थ अभिव्यक्ति की जगह संवेदनशीलता का पुट उसे आत्मीय पाठ की विशेषता प्रदान करता है। इसे एक उदाहरण से समझे। यदि कहीं अकाल पड़ता है और उसकी आंकड़ागत जानकारी दी जाती है तो वह रिपोर्ट है, लेकिन यदि उस अकाल का असर मनुष्य के रोजमर्रा की जिंदगी पर किस रूप में पड़ा, जिसमें कारुणिक स्थितियों का वर्णन हो और उन तैयारियों की अनुपलब्धता की भी बात की जाए जिनके चलते बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर संकट आ गया हो, इन भावनाओं को शामिल कर जब हम रिपोर्ट को लिखेंगे तब वह रिपोर्टाज में रूपांतरित हो जाएगा। आइए रेखाचित्र के बारे में अपनी समझ साफ करें। रेखाचित्र भी गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है, यानी रेखाचित्र का जन्म और विकास कहानियों उपन्यासों के बाद हुआ। प्रायः रेखाचित्र की बात करते हुए लगभग समान गद्य विधा संस्मरण का भी नाम लिया जाता है, लिहाजा यह जरूरी है कि इन विधाओं की प्रकृति स्पष्ट करने के साथ ही इनके बीच मौजूद सूक्ष्म अंतरों पर भी एक नजर डाली जाए। रेखाचित्र को अंग्रेजी के स्केच का पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। रेखाओं और रंगों की बहुलता को महत्व न देकर यदि कोई चित्रकार इन्हीं गिनी रेखाओं के माध्यम से एक सार्थक रूप गढ़ ले तब उसे स्केच कहते हैं। उसी तरह रेखाचित्र लेखक कम से कम शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का अंकन कर देता है। विद्यार्थियों, इसे समझने का प्रयास करें। जब रेखाचित्र में कोई विधा हमारे सामने आती है तब प्रायः उसमें ऐसे दृश्य का वर्णन जरूर होता है जहां संबंधित पात्र की बारीक से बारीक रंग और बनावगत विशेषता स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए महादेव वर्मा की का रेखाचित्र गिल्लू देख सकते हैं या गौरा गाय देख सकते हैं। संस्मरण में स्मृति की केंद्रीय भूमिका होती है, यानी जहां रेखाचित्र देश को महत्व देता है, अन्य शब्दों में चित्रण को महत्व देता है, वहीं संस्मरण स्मृति को। यह समझना भी जरूरी है कि दोनों की विशेषताएं एक दूसरे में नजर आ सकती हैं, पर हम अंतर के लिए यह देखेंगे कि रचना में केंद्रीयता किसे हासिल हुई है। अंतर करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रेखाचित्र किसी ऐसे पात्र पर आधारित होता है जो इतिहास प्रसिद्ध नहीं होता है, यानी रेखाचित्र में किसी पशु, पक्षी या साधारण मनुष्य का वर्णन होता है, जबकि संस्मरण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विषय पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए महादेव वर्मा के गौरा गाय या घीसू पर लिखे रेखाचित्र और
निराला सुभद्रा कुमारी चौहान पर लिखे संस्मरण को हम याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसे और स्पष्ट से समझें, स्पष्टता से समझें, आपने यह समझा कि यदि गाय जिसका नाम गौरा है उस पर वर्णन किया जाए, उसकी शारीरिक बनावट पर वर्णन किया जाए, तब वह रेखा चित्र है, या किसी घर में काम करने वाले परिचर पर उसके शारीरिक सौष्ठव, उसकी बारीक रेखाएं, इन सबों का वर्णन करते हुए कोई दृश्य अंकन किया जाए तब वह रेखा चित्र है। जबकि निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान या महात्मा गांधी जैसे बड़ी हस्तियों पर उनकी याद करते हुए कोई साहित्यिक रचना लिखा जाए, लिखी जाए, तब उसे हम संस्मरण के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। रेखाचित्र किसी विद्यार्थी की स्मृतियों में अनेक ऐसी आदतों, भाषा अनुभवों को जोड़ता है जिनसे परिवेश को अलग तरीके से देखने, कहने की समझ का विस्तार होता है। यह संभव है कि किसी रेखाचित्र के अध्ययन के बाद परिवेश में शामिल साधारण चरित्रों की असाधारण विशेषताओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिले। अब सवाल यह है कि कोई विद्यार्थी संस्मरण से गुजरकर क्या हासिल करता है। दरअसल कोई भी बेहतरीन संस्मरण उसके जीवन में यह अवसर मुहैया कराता है कि वह अतीत के किसी प्रसंग की ओर फिर से जाए। उसे वह अपने समय की बुनावटों और भाषा में पुनर्रचित कर सके। संस्मरण से मिलती जुलती एक गद्य विधा जीवनी भी है। जीवनी में किसी सम्मानित व्यक्ति की उन विशेषताओं का उद्घाटन किया जाता है जिनके चलते वह एक मशहूर शख्सियत में रूपांतरित होता है। आइए इस गद्य विधा के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करें। हिंदी साहित्य कोश भाग एक का वर्णन इस संदर्भ में उल्लेखनीय हो सकता है। उसके अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृतांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी पर्याय लाइफ अथवा बायोग्राफी है। हिंदी में जीवनी को जीवनचरित अथवा जीवनचरित्र भी कहा जाता है। इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं जान पड़ता। जीवनचरित कालांतर में आधुनिक और संक्षिप्त होकर जीवनी बन गया। प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न गद्य विधाओं के बारे में आपने अपनी समझ साफ की। प्रायः कविता पर बातचीत करते समय यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर पुरानी कविता और नई कविता में फर्क करते हुए उनके अध्ययन अध्यापन के तरीकों में क्या बदलाव लाया जाए। इसे थोड़े और विस्तार से समझने की जरूरत है। पुरानी कविता में छंदोबद्धता और तुकांत की विशेषताएं खास तौर पर मुखर होती थी। अर्थात पुरानी कविता के बारे में यदि हम कोई समझ बनाने का प्रयास करें तो शास्त्र के छंदबद्धता के विभिन्न नियम की जानकारी, विभिन्न नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। उसी तरह अलंकारों की समझ का होना भी आवश्यक है। आधुनिक काल में रचनाकारों को ऐसा लगा कि जीवन के बड़े सच या अनकहे सच को कहने के लिए जो शैली प्राचीन काल में अपनाई गई थी, यानी छंदोबद्धता और तुकों का निर्वाह, उसके कारण बहुत सारी बातें छूट जा रही हैं जो कि जटिल और निरंतर बदलते हुए समाज में कहना आवश्यक है। इसीलिए आधुनिक काल की कविताओं में छंद के बंधन को तोड़ दिया गया, तुकों के निर्वाह के बारे में भी राय बदली और छंदों के बंधन और तुकों के निर्वाह से ज़्यादा ज़रूरी यह समझा गया कि जो बात कही जानी है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से कही जाए, और यदि ये बाधाएं उस बात को कहने में
आती हैं तो उन्हें छोड़ दी जाए। इसलिए आधुनिक काल में छंद के बंधन को तोड़ दिया गया, तुकांत रचनाओं का भी दौर गया। सवाल यह है कि आधुनिक कविताएं जब छंद को छोड़ दें या तुकों को छोड़ दें, तब उनमें नया क्या आया? दरअसल आधुनिक काल की कविताएं जो सौंदर्य बोध की अन्य अभिव्यक्तियां होती हैं, उनके अधिक करीब गईं। अर्थात कविता नाटक से संवाद को ले आई, कविता फोटोग्राफी से रंगों के सूक्ष्म वर्णन, रेखाओं के सूक्ष्म वर्णन को ले आई। इसीलिए आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं, उनमें किसी दृश्य का वर्णन देखते हुए हम महसूस कर सकते हैं कि उसमें बारीक से बारीक विवरणों को पकड़ने की आवाज़ मुखर है या उसमें संवाद की ललक मुखर है। इस तरह आपने पुरानी कविता और नई कविता के अध्ययन और अध्यापन के विविध विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अपनी बात समाप्त करने के पहले आपसे यह साझा करना मुझे आवश्यक लग रहा है कि विधाएं जो कई बार समरूप दिखाई पड़ती हैं, उनके बारे में हमारी समझ कैसे साफ होगी। अभी आपने पुरानी कविता और नई कविता में अंतर के कौन से बिंदु निर्धारित किए जा सकते हैं, इनकी समझ बनाई। एक बात और भी समझना ज़रूरी है कि चाहे पुरानी कविता हो या नई कविता हो, उनमें दो विशेषताएं ऐसी होती हैं जो शुरू से अब तक कविता की आधारभूत विशेषताओं के बारे में शामिल रहीं। एक, कविता में शामिल लय। आज तक कोई ऐसी कविता नहीं लिखी गई जिसमें लय का निर्वाह न किया गया हो, यहाँ तक कि जिसे हम छंद मुक्त कविता कहते हैं, उसमें भी लय के निर्वाह की बात नज़र आती है। यानी उसका पाठ हम गद्य विधाओं की तरह नहीं करते हैं, बल्कि उसमें लयों को एक विशेष अंदाज में प्रस्तुत करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उसी तरह लय के साथ कविताओं में एक विशेषता शुरू से अंत तक आधुनिक काल तक शामिल रही है, उसे हम बिंबों का निर्वाह कह सकते हैं। गद्य विधा और पद्य विधा में दरअसल यह एक बुनियादी फर्क है। कोई ऐसी कविता नहीं लिखी जा सकती जिसमें बिंबों का निर्वाह न हो। बिंब अर्थात शब्द निर्मित चित्र। इसे उदाहरण से समझें। यदि किसी की सुंदरता के बारे में कहना हो कि तुम बहुत सुंदर हो, उसे कहने के लिए हम ऐसा न कहकर यह कहें कि तुम गुलाब की पंखुरी हो, या ऐसा कहें कि तुम ओस की बूंद हो, तब यह बात बिंब में कही गई। यानी सुंदरता को कहने के लिए एक दृश्य को सामने रखा गया। यही दृश्य वर्णन जब कविता में शामिल किया जाता है, तब हम ऐसा कहते हैं कि इस कविता में बिंब है। बिना बिंब के कोई कविता नहीं लिखी जा सकती। हिंदी साहित्य के मशहूर आलोचक जिन्होंने हमारे कॉमन सेंस को बनाने का काम किया, हिंदी के कॉमन सेंस के निर्माण का काम किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। यानी कोई पाठक या भावक या अध्यापक या अध्यापिका कविता का अध्ययन करते समय या उसका अध्यापन करते समय वह सिर्फ शब्दों के अर्थ की जानकारी देती है या देता है, तब ऐसा हम कह सकते हैं कि कविता के बारे में उसकी समझ ना काफ़ी है। यानी जब तक वह शब्दों में, वाक्यों में या पूरी कविता से उभरे बिंब के बारे में अपनी बात नहीं कहती या नहीं कहता, तब तक कविता की समझ नहीं बन सकती। यह विशेषता पुरानी कविता में भी थी और नई कविता में भी है।
यानी कविता अध्ययन अध्यापन के समय बिंबों का समझ, बिंबों की समझ का होना बहुत ज़रूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, गद्य विधाओं और पद्य विधा के बारे में आपने संपूर्ण जानकारी हासिल की। मेरा प्रयास रहा कि आप विधाओं के बारे में अपनी जानकारी मकबूल कर सकें। आपने अपनी समझ के साथ यहाँ जो जानकारी प्राप्त की है वह आपके अध्ययन अध्यापन के जीवन में काम आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार।